तो जी हाँ भाई और बहनों, एक बारी फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चुपाती पर। मेरा नाम है पम्मी और आज आपके लिए एक बैड न्यूज है। और वो बैड न्यूज है कि मेरे पास लिटरली रिकॉर्ड करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इससे भी कंटेंट निकालूंगा कि मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए कुछ है ही नहीं। और अभी मेरे को अपना कैमरा सेट करना है उत्तरी तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे गाइस ट्रेंडिंग कंटेंट जो कि मैं चोरी कर सकूं और किसी को पता भी ना लगे। बताना मत किसी को, ठीक है? ओके, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत से लोग द ग्रेट खाली के इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर से बहुत सारा कंटेंट निकाल रहे हैं। तो थकेश भाई ने वीडियो निकाल लिया है, ट्रिगर भाई ने वीडियो निकाल लिया, धीरू भाई ने वीडियो निकाल लिया। भाई साहब, ओ भाई, ओ हेलो, ओ भाई रॉनी ने भी, ओ भाई लोग तुम लोग क्या कर रहे हो, कितना भाई, हेलो हे हेलो हाँ हेलो भाई साहब, अभी तक मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और पार्ट टू निकाल रहे हैं। पार्ट वन निकल चुका, अभी पार्ट टू निकाल रहे हैं। और ये चीज देखिए गाइस, मैंने डिसाइड किया है कि हम भी द ग्रेट खाली के इंस्टाग्राम के ऊपर थोड़ा बहुत रिएक्शन देंगे। ओरिजिनल आइडिया, ये एकदम ओरिजिनल आइडिया, ये किसी ने भी अभी तक नहीं किया। थकेश भाई, ट्रिगर भाई और बाकी जो इतने भी यूट्यूबर है, किसी ने भी नहीं किया, ये सबसे पहले मैं करूंगा। और ये तीन कैमरे बंद कैसे होते हैं यार। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर और यहाँ पर सर्च करेंगे द ग्रेट खाली का मस्त वाला इंस्टाग्राम। ग्रेट खाली, हम ग्रेट खाली के ऊपर क्लिक करना, ठीक है? ग्रेट इधर उधर कहीं लेफ्ट राइट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो उसी के ऊपर ही क्लिक करना। और ये रहा गाइस द वर्ल्ड चैंपियन द ग्रेट खाली का मस्त वाला इंस्टाग्राम पेज, मैंने फॉलो करके रखा हुआ है, आप भी जाके फॉलो कर दीजिए। और आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। वैसे मेरे को डिस्क्लेमर देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी से डरता बरता नहीं हूँ। ए गाइस प्लीज, खाली सर को मेरा एड्रेस मत बताना यार, मेरे को घर में आके मारेंगे। खाली सर, हेलो, कैसे हो यार? ओके गाइस, जोक्स अपार्ट, मैं एक्चुअली खाली सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। वो वर्ल्ड चैंपियन लेजेंडरी इंडिया के रेसलर हैं। उन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया यार, बहुत नाम रोशन किया है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ कमेंट्स पढ़ूंगा और फिर भी अगर यहाँ वहाँ कुछ मुझसे हो जाता तो आई एम वेरी सॉरी। तो ये रहा गाइस खाली सर का इंस्टाग्राम पेज। और अभी मेरे को यहाँ से एक वीडियो सेलेक्ट करनी है जहाँ पर मेरे को लगता है कि खाली सर को मस्त वाली कमेंट्स मिली होंगी। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा ये वाली। यस खाली सर, हैंग ऑन, मेरे यहाँ पे कमेंट्स कहाँ पर है? ये अब ये मत कहना खाली सर आपने मेरी वीडियो के लिए कमेंट्स बैन कर दिए, गलत बात है यार। मेरे को लगता है इंस्टाग्राम की कोई गाइडलाइन है। अच्छा, इंस्टाग्राम का कोई बग है? ओके, हम सर, मेरे को लगता है खाली सर यहाँ पे फोटो खींचना चाहते थे लेकिन उन्होंने गलती से वीडियो बना दी। खाली सर फोटो खींचनी होती है, जीत तलवार _19 लिखते हैं। सर आपकी जॉलाइन से मैं पनीर काट लूं? भाई मेरे, पनीर काटने के लिए हमें छुरियां दे के रखी हुई हैं। सर पाद मार के सीट पर ये कह लिखा, सर गाड़ी को उठा के रैंडी ऑर्टन के घर पे फेंक दो। और इसके ऊपर नो रिप्लाईज आ चुकी है। तो रिप्लाईज क्या बोलते हैं? तो ये सर जी लिखते हैं, भाई देख ले कहीं तेरे घर पे ना फेंक दे। सर पोस्ट डालकर इंस्टाग्राम के सर्वर क्रैश कर दो। भाई यार, उन्होंने पोस्ट डाल दिया, क्या कर रहे हो तुम लोग यार। ओके, तो सर जी यहाँ पर एक नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं, बॉडी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। और क्या बात है, वो भी स्लो मोशन में। तो बिल्कुल एक नॉर्मल वीडियो है। इस वीडियो पर मुझे नहीं लगता कि कोई ना कोई घटिया कॉमेंट आई होगी, लेकिन फिर भी हम जाके कॉमेंट सेक्शन पढ़ते हैं। सर सुपरमैन का कोरियर खराब कर दो। सर सुपरमैन की तरह उड़ जाओ। सर सुपरमैन को उठा के फेंक दो। ओके, मेरे को लगा था कि सुपरमैन के पास एक्चुअली उड़ने वाली पावर है, लेकिन अभी ये वाली कमेंट देख के थोड़ा बहुत शक मेरे को हो रहा है उसकी पावरों पर। सर कुत्ते को खींच के डायनासोर बना दो। अभी मैंने डिसाइड किया कि हम एक पॉजिटिव कमेंट करेंगे। लव यू सर जी, एकदम बढ़िया। अगर अभी उसके बाद नीचे आके देखे तो नॉर्मली जो लोग करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जो नॉर्मल वीडियोस डालते हैं, अब ये देखो, अब यहाँ पर खाली सर अपनी एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें खराबी क्या है। लाइक वो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, अपनी बार उठाने से पहले जो स्ट्रेचिंग होती है वो कर रहे हैं। सर टाटा के ट्रक्स को ऐसे डंबल यूज कर मैं एक्चुअली इमेजिन कर रहा हूँ यार। तो एक ट्रक यहाँ पे खड़ा है, एक ट्रक यहाँ पे खड़ा है, बीच में डंडी घुसेड़ दी और ऐसे। सर पात मार के फुल स्पीड में भागो, फ्लैश वाली स्पीड में। अरे सर पात मत मारना, नहीं तो दीवार फट जाएगी। उसके ऊपर 4 रिप्लाईज है यार। भाई सर की दीवार अमूजा सीमेंट से बनी है, जो उसकी मौसी ने रेकमेंड किया था, अब वो दीवार नहीं फटेगी। कुछ भी बोल रहे। और राइट सर जी, वैसे कुछ ज्यादा ही पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर यार, लाइक दिन में 5-6 उनकी फोटो आती हैं। तो यहाँ पर सर जी एक नॉर्मल बंदे की तरह अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर फोटो खिंचा रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं और बीच में हमारे खाली सर बैठे हुए हैं। इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो पहली कॉमेंट यही है, सर एक बार एवेंजर्स असेंबल बोल दो। ये कह लिखा, सर इनको सबको जेब में डाल।
सर सबके साथ रॉयल रंबल खेलो और उठा उठा के फेंक दो। यार मैं सोच रहा हूँ कि ये जो बंदे बाद में जाके इस फोटो के कमेंट्स पढ़ रहे होंगे तो यार ये क्या सोचेंगे, क्या कर रहे हैं यार यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर इस बंदे को बाइक के ऊपर बैठना है और ये सर जी बोल रहे हैं आप बाइक के आगे बैठ जाइए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सर जी खुद ही ऑडियंस को बोल रहे हैं कि इस पर एक फनी कमेंट छोड़ो इस वाली वीडियो पर। सर टायर निकाल के अंगूठी बना लो। सर आगे वाला विंड उसकी मैं गुस्सा। Honestly, यार तू आगे वाली व्हील के ऊपर क्यों बैठा है भाई, पीछे सीट खाली है, क्या कर रही है। तो ये रही एक और पोस्ट सर जी की उनके फ्रेंड्स के साथ, सर फूक मार के सबको उड़ा दो। ओके इसके नीचे वाली कमेंट एकदम सही होगी यार, सर आप लोग सब मिलकर टोनी कक्कर को आई थिंक सर जी एक्सरसाइज कर करके पसीना उनका एकदम बाहर आ चुका है तो मुंह वगैरह वो साफ कर रहे हैं। सर फेस रब कर करके चिंगारियां निकाल दो। बहुत खराब बंदे यार तुम लोग यार। सर सर मुझे दूध में मिलाकर खा जाओ। लिटरली यार ये कमेंट उसके ऊपर वाली है, दूसरी कमेंट उसके नीचे वाली है, क्या कर रहे हो यार। यार वो बंदा बैठ के एक्सरसाइज कर रहा है और एक्सरसाइज करते करते वो थक गया, उसको पसीना आ गया, तो उसने पसीना जब पहुंचा तो तुम लोग ये कमेंट कैसे कर सकते हो यार। अब ठीक उसके नीचे कमेंट है सर मेरी चटनी बना दो। सर इसी बात ने मुझे पीट पीट कर इसी शर्ट जैसा लाल बना दो। कोई लॉजिक है इस कमेंट का? नहीं इस कमेंट का कोई लॉजिक, चलो बाकी को तो बता नहीं इस कमेंट का क्या लॉजिक है। सीईओ रोनित भाई इस कमेंट का लॉजिक क्या है? दाल साथ में दही साथ में बाकी जो खाने पीने का सामान है सब कुछ रखा हुआ है। सर जी जूस का जूस का जूस निकाल। सर जी ग्लास को थोड़ा धीमे पकड़ो नहीं तो ग्लास का जूस निकल जाएगा। अगर मैं ये देख रहा हूँ तो मैं कुछ बकवास कमेंट नहीं करूंगा भाई, मैं ये एक्सरसाइज देख के डर गया हूँ भाई, इतनी खतरनाक बॉडी है बेटे, मेरे को सर जी ऐसे तोड़ देंगे अगर मैं इनके हाथ लग गया ना। अभी अभी मेरे को पूरा भरोसा है यहाँ पर कुछ उल्टी फुल्टी कमेंट नहीं होगी। सर जी अर्थ को पुश करके सूरज से दूर ले जाओ, गर्मी बहुत पड़ रही है। भाई भाई तेरे को डर नहीं लगता? तुम लोगों को क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई मैं सिर्फ यहाँ पर फोटो जो है ये वाली फोटो भी मैं लाइक कर दूंगा, बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज कर रहे हैं सर जी यहाँ पर। सर पुशअप्स को थप्पड़ मार के पुश डाउन्स बना दो। सर धरती को पुश करके ऑर्बिट से बाहर कर दो। ओके तो सर जी यहाँ पर बैठ के इस बंदे के बाल बना रहे हैं। ओके वेरी नाइस सर जी, मेरे को पता नहीं था कि आपके पास ये वाला टैलेंट भी है और बहुत बहुत जबरदस्त काम किया। सर फूक मार के बच्चे को चांद पर भेज दो। 3000 लाइक्स ऑलरेडी आ चुके हैं उसके ऊपर। सर जिसकी कमेंट्स पे ज्यादा लाइक आएंगे सर उसकी भी ऐसे ही कटिंग करना। मुझे देखना है भाई किसके ऊपर ज्यादा लाइक आया। मनदीप भाई मनदीप तू तो गया बेटे, मैं भी लाइक करूंगा, मनदीप तू गया। तो यहाँ पर सर जी लगता है मेरे को अपनी कुछ मालिश वगैरह करवा रहे हैं। सर आप ऐसे ही हंसते रहो और हमें हंसाते रहो यही दुआ है हमारी। एकदम मस्त कॉमेंट है ये, इसको मैंने लाइक कर दिया ऑलरेडी। सर पात मार के बच्चे को शक्तिमान। सर इंस्टाग्राम को खलीगराम बना के बेरोजगार को नौकरी दिला दो यार। ओह माय गॉड ये चीजें कौन सोच रहा है यार। सर तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीधा कर दो। अभी गाइस मैंने नोटिस किया कि सर जी आप प्लेन के ऊपर बैठे हुए हैं और इस बंदे को देखता है लिटरली ये बंदा सोच रहा है यार मैंने कुछ बोला तो कस के चपेट मेरे को पड़ेगी उल्टे हाथ की। ओके अभी कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं। सर पायलट को बाहर फेंक दो और सबको रिंग में ले जाओ। सर प्लेन को अपने हाथ से फेंक के उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा दो। सर पायलट के कैबिन में जाकर पायलट को बोलो चल हट तेरा भाई उड़ाएगा प्लेन। सर प्लेन में बैठ के उसको टेक ऑफ होने मत देना। यार ये गलत बात है यार गाइस। ओके अब भी से सबने प्रॉमिस करना है कि ऐसी फालतू कमेंट्स नहीं करने, ठीक है ऐसी फालतू कमेंट्स नहीं करेंगे सर जी के इंस्टाग्राम के ऊपर। तो यार फाइनली गाइस एक बार फिर से सर जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ तो प्लीज अगर कोई गलती होगी वीडियो में तो प्लीज मेरे को माफ कर देना यार। तो चलिए गाइस अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।